हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कमाल की वीडियो लेकर आया हूँ जिससे आपके सिस्टम में कोई भी डिस्प्ले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो इजी से सॉल्व कर सकते हैं आप। अगर आपके सीपीयू में फ़ैन चल रहा है, लाइट आ रही है बट डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने सीपीयू में से रैम निकाल लीजिए। सीपीयू में से रैम निकालेंगे क्योंकि डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सारी जो भी होती हैं 90% रैम से रिलेटेड ही होती हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके से रैम निकाल कर और एक रबड़ ले लेनी है, मिटाने वाली रबड़ होती है। उससे क्या करना है, आपको ये जो गोल्डन प्रिंट्स होते हैं इसमें, इन गोल्डन प्रिंट्स को रबड़ से इस तरीके से साफ कर देना है, प्लेन जगह पर रख कर, ताकि ये टूटे ना। आपको अच्छे से इस तरीके से साफ कर देना है, इस तरीके से दोनों साइड से। जैसे ही आप इसको साफ करेंगे, ये गोल्डन प्रिंट एकदम सोने की तरह चमकेंगे। कोई भी डस्ट होती है, किसी भी तरीके का दाग आ जाता है या प्रिंट में कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा डिस्प्ले नहीं आता है सिस्टम में। सीपीयू तो चलता है, फैन भी चलता है, बट डिस्प्ले नहीं आता। आपको इस तरीके से रैम निकाल कर क्लीन कर लेना है। अगर आप इसी प्रॉब्लम को दुकान पर लेके जाते हैं तो आपसे वो 300 रुपये का चार्ज ले लेता है, बट आप ये इजीली घर पर भी ठीक कर सकते हैं। इसके साफ करने के बाद आप लगाएंगे तो आपका सिस्टम एकदम नॉर्मल वर्किंग करेगा, डिस्प्ले भी आएगा। थैंक यू।